Welcome you guys to WP Media. In this video we're gonna talk about table heading. Video के tutorial में मैं आपको बताऊंगा कि table headings को कैसे create करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको tables rows चाहिए होंगी, ठीक है? तो आपने already table का जो यहाँ पे हम closing tag भी डाल देते हैं, ठीक है? Sorry, चला हुआ. अब यहाँ पे हमें चाहिए होगा टेबल हेडिंग, तो हम यहाँ पे टेबल हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं. टेबल हेडिंग के लिए हमें टी आर यूज करना पड़ेगा और हम इसको टू टाइम्स कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हमने क्या यूज करना है, टेबल हेडर यूज करना है, ठीक है? टेबल हेडर यूज करना है और टेबल हेडर के लिए हमें टी एच यूज करना पड़ेगा, ठीक है? और हम इसके अंदर लेट्स से कि इसको थ्री टाइम्स कॉपी कर लेते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं जेसन और यहां पे हम लिख देते हैं बॉब, ठीक है? और इस तरह हम यहां पे नेक्स्ट जो टेबल हेडर हैं हम इसके अंदर लिख लेते हैं. इसके अंदर हमें टेबल, इसी तरह हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे भी इसको कॉपी कर लेते हैं. और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें टेबल हेडर यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स से मार्क्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रेट और यहाँ पे हम लिख देते हैं साइंस और यहाँ पे हम मैथ और यहाँ पे हम लिख देते हैं 40 लिख देते हैं और यहाँ पे हम 50 लिख देते हैं. हम इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सब का सब जो है वो टेबल हेडर में शो हो रहा है, जस्ट लाइक के बोल्ड शो हो रहा है, ठीक है? तो हमें सिर्फ ये बोल्ड चाहिए और ये बोल्ड चाहिए और ये बोल्ड चाहिए, ठीक है? और बाकी जो सब है वो हमें आम फॉन्ट्स में चाहिए. तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे टी एच की जगह हमें यहाँ पे टी डी यूज करना पड़ेगा. टी डी मीन्स टेबल डाटा, लाइक टेबल कॉलम, ठीक है? हम इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं और यहाँ से इसको भी चेंज कर लेते हैं और अब इसको हम सेव करते हैं. नाउ यू सी द लुक और ये देखिए आप टोटली चेंज हो चुका है, ठीक है? लेट्स से कि हम यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है? तो होगा क्या, इसको सेव कर लेते हैं तो टोटली जो है उसने अपनी पोजीशन ही चेंज कर ली है, ठीक है? तो इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स हमें यूज करने पड़ेंगे तब वो पोजीशन ही चेंज करेगा, ठीक है? तो हम इसको फिलहाल यूं ही रखते हैं, ठीक है? और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने टेबल हेडर को यूज कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और कमेंट्स के अंदर जरूर आप कमेंट्स कीजिए. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Thank you so much for watching my video and please subscribe my channel and press the bell icon for watching more videos.